Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. Hello friends, welcome to the Unique Academy. In today's current affairs decoded session, myself Shivaji Kale is going to talk about important news from 26th April. Here, in the first news, they are talking about the Arogya Setu app and related aspects. So basically, if you see, this is the recent app developed by particularly our Ministry of Electronics and Information Technologies, National Informatics Center. तो ये ऑर्गेनाइजेशन देख के रखना भैया, NIC बोला जाता है इसको प्रीलिम्स के लिए, ये मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ठीक है. एंड पर्टिकुलरली दिस ऐप विल बी हेल्पफुल फॉर ट्रेसिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल, ठीक है. तो उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है. मतलब सिंपली ये कैसे काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव इंस्टॉल्ड योर दिस पर्टिकुलर ऐप इन योर मोबाइल, ठीक है, और आपने उसका इंटरनेट कनेक्शन एंड ब्लूटूथ ऑन रखा है, एंड बाकी लोगों ने भी जिन्होंने इंस्टॉल किया उन्होंने ये दो चीज़ें ऑन रखी है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका GPS लोकेशन कंटिन्यूसली ये ऐप ट्रैक करते रहेगा, एज वेल एज ब्लूटूथ से आप किस किस पर्सन के कॉन्टैक्ट में जाते हो, ठीक है, ये भी वो नोटिफाई आइडेंटिफाई करता रहेगा. एंड इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉज इन्फेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर कोविड, ठीक है, तो उसके ऐप में सेंट्रल डेटाबेस से अगर ये इंक्वायरी इंफॉर्मेशन ऐड किया गया है तो इट विल नोटिफाई यू, योर ऐप विल नोटिफाई यू दैट यू हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो कॉन्टैक्ट और सेंड द इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल डेटाबेस, जहाँ पे उन लोगों को समझेगा दिस एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज न्यूली बीन इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, हेंस दे कैन प्रोवाइड यू द इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि आपको क्वारंटाइन फैसिलिटी देंगे या फिर अदर टाइप की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए देंगे, ठीक है. उसके साथ साथ इसमें दो तीन चीज़ें और रखी है उन्होंने, जो PM केयर फंड रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा है, देखो एक आर्टिकल में, वो फंड के लिए भी आपको एक टैब दिया जाएगा जहाँ से आप डोनेशन दे सकते हो, ठीक है. अभी एक्चुअली फ्यूचर में इस ऐप का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन हुआ जाएगा, जैसे कि ई पासेस के लिए, ठीक है. तो ई पास मतलब क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने डाउनलोड किया होगा ये ऐप, तो आप देखेंगे अगर आप किसी कांटेक्ट में नहीं आए ऐसे पर्सन के साथ और आप इन्फेक्टेड नहीं है, तो आपका वहाँ पे ग्रीन लाइट दिखेगा, ठीक है, या ग्रीन स्क्रीन दिखेगा. तो अगर आप ग्रीन स्क्रीन हो, मतलब यू आर नॉट इन्फेक्टेड पर्सन, तो इन फ्यूचर वेन एवर दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड, ठीक है, एंड पार्शल आपको ट्रैवल करने के लिए परमिशन दिया जाएगा, इन दैट पर्टिकुलर केस पुलिस पर्टिकुलरली आपका ये चेक करेगी कि आपका स्टेटस क्या है. अगर आपका ग्रीन स्टेटस है, दैट मीन्स यू आर रेडी टू गो टू द प्लेसेस विच आर अलाउड बाय द अथॉरिटी. तो ये वाला जो टेक्नोलॉजी है, दे हैव ऑलरेडी यूज्ड इन चाइना, ठीक है, तो इसका बहुत यूज होने वाला है. एंड प्राइम मिनिस्टर भी है हमारे, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए सबको बोला है, ठीक है. तो इस रिलेटेड और एक दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए. एक सबसे इम्पोर्टेंट पता होने की चीज़ है, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू, कि ये प्राइवेसी में थोड़ा सा दिक्कत देगा, क्योंकि दिस पर्टिकुलर ऐप इज आइडेंटिफाइंग योर लोकेशन एज वेल एज इट इज कलेक्टिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड इट इज शेयरिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू अ सेंट्रल डेटाबेस. तो ये कंडीशन में क्या होता है, आपका प्राइवेट डेटा सेंट्रल डेटाबेस के पास जाता है, इवन इफ इट इज एंडोर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये मे बी मिसयूज किया जा सकता है, ऐसा थ्रेट है, ठीक है. तो दिस विल क्रिएट एन इश्यू ऑफ प्राइवेसी. और क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज गिविंग ए स्टैटिक नंबर टू एवरी इंडिविजुअल, ठीक है. तो अगर आपने ऐप इंस्टॉल किया, तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन एक नंबर पे सेव हो जाएगा. तो इससे क्या हो जाएगा, अगर किसी पर पर्टिकुलर नंबर इज आइडेंटिफाइड एज दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए सेंट्रल डेटाबेस में रखा जाएगा, और उससे फिर बाद में क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है. लेकिन उसके लिए भी एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जैसे कि पर्टिकुलरली देखो गूगल या एप्पल ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टू जॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें दे आर यूजिंग द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डिजिटल आइडेंटिफिकेशन कीज. तो उसमें क्या है, एक की अगर आपके पास है भी, तो इट इज बिकॉज इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, उसके ऊपर आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं चेक कर सकते, ठीक है. तो दैट इज द सॉल्यूशन यू कैन ऑल्सो आस्क अबाउट, बट दिस इज द ऐप, आरोग्य सेतु ऐप इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द रिसेंट फ्यूचर, ठीक है.
तो आगे जाते हैं, दूसरा वाला सिमिलर टाइप का न्यूज है, बट दिस इज रिलेटेड टू यू कैन से जो हम लोगों ने आरोग्य सेतु देखा वो हम लोगों ने लोकल ट्रैवल के लिए आपको वो ई पास की तरह यूज किया जाएगा, लेकिन जो आप बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल फॉरेन ट्रैवल से फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, उसके लिए एक कंसेप्ट अभी चर्चा में आ रहा है, दैट कंसेप्ट इज अबाउट इम्यूनिटी पासपोर्ट। ठीक है, इम्यूनिटी पासपोर्ट। तो ये इम्यूनिटी पासपोर्ट देखो क्या कंसेप्ट है, या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट। तो मतलब WHO ने इसके लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन अभी दिया है, लेकिन क्या कंसेप्ट है ये पहले समझते हैं। ये कंसेप्ट इज अबाउट पर्टिकुलरली आपको हेल्थ चेकअप किया जाएगा, एंड इफ यू आर नॉट इन्फेक्टेड और इफ यू हैव रिकॉर्ड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दे विल ग्रांट यू दिस पर्टिकुलर रिस्क फ्री सर्टिफिकेट, या जिसको आप लोकल लैंग्वेज में बोलो इम्यूनिटी, आपको ये दिया जाएगा पासपोर्ट, सो यू आर अलाउड टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। बट WHO बोल रहा है अभी कि ऐसा करना रिस्की है, क्योंकि लैक ऑफ एक्यूरेसी में इंक्रीज द रिस्क, क्योंकि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सपोज इफ अ पर्सन इज नॉट इन्फेक्टेड एंड नॉट शोइंग द सिम्टम्स, ठीक है, वी कैन नॉट गारंटी दैट दिस पर्सन इज नॉट इन्फेक्टेड। सेकंड पॉइंट, इफ अ पर्सन इज रिकवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसीज, इट डज नॉट गारंटीज दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट गेट एन इन्फेक्शन सेकंड टाइम। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्की अकॉर्डिंग टू WHO। देखते हैं आगे आगे कौन सी कंट्री अगर इसको यूज करती है तो वापस ये चर्चा में हम लोग ले ही लेंगे। ठीक है, आगे जाते हैं, एक मस्त आर्टिकल आया है, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के एस्पेक्ट से, आराम आराम से पढ़ते हैं। इट इज अबाउट द राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा को देखो क्या क्या बोला जाता है, फर्स्ट चेंबर बोलते हैं या सेकंड चेंबर बोलते हैं, देखो अपर हाउस बोलते हैं या लोअर हाउस बोलते हैं, थोड़ा सा देख के रखना, प्रीलिम में हमेशा ऐसे छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाल के फंसाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, क्यों पढ़ना है राज्यसभा हमको, ये आर्टिकल पे थोड़ी देर बाद आते हैं, वहाँ पहले हम आ जाते हैं इसके बेसिक्स पे। ठीक है, तो राज्यसभा इस बार हम लोगों को क्यों पढ़ना है, बिकॉज रिसेंटली 250th सेशन ऑफ लोकसभा हैज सॉरी राज्यसभा हैज हैपन। राज्यसभा 250 बार आज तक सेशन कर चुकी है। ठीक है, तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, पॉलिटी के बुक में आप सबको ये मिलेगा, रिवीजन करना बस इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, 250 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, आउट ऑफ विच 238 आर इलेक्टेड फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द MLAs ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ तो है ही, अगर जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है एट दैट पर्टिकुलर एरिया, दे विल स्पेशली क्रिएट एन इलेक्ट्रल कॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर पोजिशन एंड इलेक्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर राज्यसभा, वैसे होंगे, और 12 लोग जो होंगे वो नॉमिनेट होंगे। कौन नॉमिनेट करेगा भैया उनको, लॉजिक से बताओ, प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट देम। ठीक है, तो ये जो 12 लोग है या फिर ये नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर है इसको भी बहुत इंपॉर्टेंस है, देखते हैं कैसे कैसे नीचे जाके उसका एक आंसर राइटिंग चैलेंज में क्वेश्चन लेंगे, फिर आपको समझेगा। ठीक है, और क्या बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी मतलब क्या, डिजॉल्व नहीं होती, कैसे कि दूसरा वाला कौन सा हाउस है, लोकसभा, वो हर 5 साल के बाद, मैक्सिमम 5 साल के बाद क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। प्रायर भी डिजॉल्व हो सकता है अगर मेजोरिटी लॉस हो जाए या गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड्स टू डिजॉल्व इटसेल्फ। ठीक है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होती है, मतलब क्या होती है, टोटल मेंबरशिप जो है उसमें से 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल के बाद, मतलब 6 साल के बाद उनका टर्म खत्म हो जाएगा, तो हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर क्या हो जाएंगे, वहां से रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली रिप्लेस होते रहेंगे मेंबर, तो ऑल द टाइम देयर विल बी सम मेंबर इन द हाउस। ठीक है, तो ये 6 साल का टर्म होना चाहिए, ये हमेशा याद रखो, 6 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 साल का टर्म किसके लिए, लोकसभा के लिए 5 साल का टर्म है। ठीक है, लेकिन ये 6 साल का टर्म जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में इसको लिखा गया है, तो ये पक्का डालेंगे UPSC वाले, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द 6 ईयर टर्म, तो नहीं डिफाइन करता, पार्लियामेंट्री लॉ ने डिफाइन किया। अभी ये होमवर्क के लिए देख लेना कि लोकसभा का 5 ईयर का टर्म किसने डिजाइन किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में है या लीगल प्रोविजन है, देखते हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए ढूंढ के रखना, और 2-3 चीजें इसमें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशल पावर वगैरह वो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। थोड़ा सा करंट में देखो, इसकी बहुत सारी चीजें थोड़ी सी याद रखना, कि कास्टिंग वोट बाय द चेयर, ये तो पता होगा आपको, अगर मेंबरशिप जितना भी है हाउस का उसमें अगर इक्वल वोट पड़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन या बिल के ऊपर, तो जो चेयरपर्सन होगा
उसको क्या होता है, कास्टिंग वोट होता है. इफ दैट पर्सन डिसाइड्स टू वोट दैट पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर वे दैट पर्टिकुलर बिल और रिजोल्यूशन विल बी गो. ठीक है, तो ऐसे हो चुका है एक बार 1991 में, टाइड हुआ था 39-39 तो रिजोल्यूशन पे, सीआरपीसी के अमेंडमेंट में था, तो चेयरपर्सन ने कास्टिंग वोट दिया था. ठीक है, प्रेसिडेंट रूल नॉट बाय द राज्यसभा, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ लोकसभा जब नहीं होता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, पर्टिकुलर केस में बोल देता है. तो ये भी हो चुका है एक बार. देखो रिमोल ऑफ जजेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राज्यसभा का, तो ये भी राज्यसभा ने एक बार किया था 2011 में. मेन सौमित्र सेन एक हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उनकी रिमोल प्रोसीजर चालू हो गई थी. ठीक है, एक्सपेल्शन ऑफ मेंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1976 में उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को एक्सपेल किया था, उसके बाद में छत्रपाल सिंह को 2005 में एक्सपेल किया है. ठीक है, एंड साक्षी महाराज ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको 2006 में एक्सपेल किया था. तो एक्सपेल करने का पावर भी है राज्यसभा को, इंपॉर्टेंट चीज है. बाकी ये थोड़ा सा बेसिक चीज देखना कि फर्स्ट बिल कब पास हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कब पास हुआ था, ये बाकी की चीजें थोड़ी सी देख लेना. ठीक है, जनरल चीज है लेकिन पता होनी चाहिए, यूपीएससी पूछ सकता है. ठीक है, अभी ये आर्टिकल के ऊपर आते हैं, उसको चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आंसर राइटिंग चैलेंज में ये चीज देख लेंगे. ठीक है भैया, क्वेश्चन ले लो आंसर राइटिंग चैलेंज का. आज का क्या क्वेश्चन है, देखो, रिलेवेंस ऑफ राज्यसभा हैज डिमिनिश्ड ओवर द पीरियड एंड हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस एज द इक्वल हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला है, ठीक से देख लेना, क्रिटिकली एनालाइज बोला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज इसमें से पकड़ लेना भैया. क्या बोल रहे, एक तो बोल रहे कि रोल रिलेवेंस हैज डिमिनिश्ड एंड इट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस, दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर आंसर लिखना. आंसर लिखने के बाद वी हैव आवर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इसको हमारा ये यूनिक का टेलीग्राम चैनल है अपना. ठीक है, इस पे आप डाल देना यूनिक डिस्कशन यूपीएससी, इस पे आप आंसर इमेज फॉर्मेट में डाल देना. ठीक है, वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है, तो आपने आंसर लिखा होगा ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं, और फिर हम लोग इसका आंसर डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो देखो भैया दो चीजों के बारे में उन्होंने पूछा है. तो बेसिकली वी विल स्टार्ट विद द पॉलिटिकल पर्टिकुलर केसेस दैट राज्यसभा एज अ मेंबर ऑफ द हाउस हैज सम ऑफ इट्स ओन पावर्स. ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर केस में इसके बारे में वो बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे कि यस कैसे डिमिनिश हुआ है, एंड फिर उसको कंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली बताते हैं, देखो भैया ये तो क्या है, ये तो अपर हाउस है. ठीक है, स्पेशल पावर तो लोकसभा ज्यादा है, मतलब ऐसे वर्ड उन्होंने कहीं यूज नहीं किया, लेकिन हम कंपेयर करेंगे कि लोकसभा एंड राज्यसभा के पावर्स में, तो ऑब्वियसली लोकसभा को ज्यादा पावर्स दिखते हैं पर्टिकुलर केस में, क्योंकि मनी बिल वही डिसाइड करता है. जॉइंट सेशन में इवन इफ एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज इक्वल वोट्स, बिकॉज लोकसभा के मेंबर्स आर मोर देन राज्यसभा मेंबर्स, ऑब्वियसली लोकसभा हैज अ डोमिनेंस इन द जॉइंट सेशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का क्या है देखो. ठीक है, ये होमवर्क के लिए देखना क्या, इसमें राज्यसभा का क्या रोल होता है. ठीक है, और इंपॉर्टेंट सबसे चीज क्या आप इसको बताओगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली विच एवर आर द मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स और से पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर्स आर देयर, दे आर फ्रॉम लोकसभा. ठीक है, तो अभी के भी प्राइम मिनिस्टर आप देखो या पीछे भी जाके आप देखो, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स क्या है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर फ्रॉम लोकसभा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, तो बासेस का रिप्रेजेंटेटिव होते, स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते, तो उनको दिया जाता है कैबिनेट का पोस्ट. ठीक है, अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि डिमिनिशिंग सिग्निफिकेंस कैसे है. ठीक है, देखो यहाँ पे तो पर्टिकुलरली दो तीन चीजें यहाँ पे बताएंगे भैया कि वर्किंग आवर्स जो है राज्यसभा के वो कंटिन्यूअसली कम हो रहे. अभी ऊपर के आर्टिकल्स में से आपको कुछ डेटा भी मिलेगा, वो थोड़ी देर के बाद आर्टिकल पे ऊपर वापस जाते हैं. ठीक है, उसके बाद में देखना मोर टाइम ऑन द लेजिस्लेटिव वर्क रादर देन डिबेट. अभी ये पॉइंट बढ़िया है, इसको आप समझ लेना. लेजिस्लेटिव वर्क मतलब क्या, टू पास द बिल वॉट एवर इज द प्रोसीजर दैट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, क्या करेंगे, एक बार रीडिंग करेंगे, फिर डिस्कशन होगा, फिर सेकंड बार रीडिंग करेंगे और वोट हो जाएगा. एंड जनरली क्या हो जाता है, जिसका मेजोरिटी रहेगा हाउस में वो जनरली मेनी ऑफ द केसेस में रूलिंग पार्टी का ही होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में बिल तो उनके हित में ही पास होना है, लेकिन
डिबेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू. इसमें से आपको क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे सजेशंस दे सकते हैं. उसमें से कुछ सजेशन अगर अमेंडमेंट करके एक्सेप्ट हो जाएंगे तो दैट विल बिकम अ मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री सेटिंग. ठीक है, तो दैट इज व्हाई डिबेट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एंड थर्ड इज इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ पैराडाइज ऑफ साइलेंट डिसेंट, साइलेंस द डिसेंस और गिफ्ट टू द वेल विशेस. मतलब वॉट एवर आर द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द लाइफ, इफ दे आर वर्किंग फॉर द पॉलिटिकल पार्टी दैट इज इन पावर टू अपीज देम, दे विल बी प्रोवाइडेड द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा, समटाइम्स फ्रॉम द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑल्सो. ठीक है, ऑल्सो सम ऑफ द पीपल हु आर से नॉट हैप्पी विद द से वॉट एवर आर द पॉलिटिकल सेटिंग्स इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है, and those are also members of the political party who is sending the people to the Lok Sabha and Rajya Sabha. तो उनको शांत करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए उनको भी राज्यसभा का सीट दिया जाता है. ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, एंड दिस हैज क्रिएटेड डिमिनिशिंग सिग्निफिकेंस ऑफ राज्यसभा. ठीक है, उसके बाद में दो चार चीज आप वो भी लिख सकते हो, absenteeism बहुत ज्यादा है, ये वो चीजें दो चार लिख के पर्टिकुलरली इन केस ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर absenteeism का इशू लिख सकते हो. ठीक है, बट रिलेवेंस लॉस्ट हुआ है क्या, ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भैया नहीं लॉस्ट हुआ है रिलेवेंस. और उसमें दो चार एग्जांपल भी देंगे, क्या बताएंगे, देखो रिसेंटली बोलेंगे कि 250 सेशन अगर हो चुका है, 250 बार अगर राज्यसभा बैठ चुकी है, तो इसका मतलब उसमें कुछ तो पॉइंट है ना, वरना 250 सेशन होते ही नहीं. ठीक है, और उसमें जाके आगे जाके बोलेंगे कि इट इज अ प्लेस वेयर यू कैन नॉमिनेट अ मेंबर particularly who are having an expertise in different segments of life. So that is the very important area from where you can bring different type of people who are may not be a political person, a politician, but he is or she is a very good administrative skill of a person. So उन लोगों को हम लोग introduce कर सकते हैं parliament में. ठीक है, तो example देंगे भैया जो previous prime minister है इस्टवाइल, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह. सो देखना पिछली जब उनकी टर्म थी प्राइम मिनिस्टर थे तब ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम राज्यसभा. ठीक है, बट ही वॉज एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी गुड इकोनॉमिस्ट. ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, दो चार चीजें लिखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है भैया, दो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए आर्टिकल 249, जिसमें कोई भी लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट अगर बनाना है. ठीक है, सेवन्थ शेड्यूल पता है ना आपको, सेवन्थ शेड्यूल में तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. अगर स्टेट लिस्ट जैसे कोई सब्जेक्ट पे अगर आपको लॉ बनाना है सेंटर को, देन दे हैव टू ब्रिंग इट थ्रू राज्यसभा. ठीक है, एंड एक आर्टिकल 312 भी है जिसमें ऑल इंडिया सर्विस अगर आपको कोई बनानी है तो दैट ऑल्सो हैज टू बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द राज्यसभा. ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू मेंशन व्हाइल राइटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और इसके लिए कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको इस आर्टिकल में मिलेगी. छोटी छोटी सी चीज़ें लिखोगे यहाँ पे, जैसे कि डिमिनिशिंग हो रहा है स्टेटस, इसके लिए आप लिखोगे कि 2010 से डिटोरिएट हो रहा है पोजीशन. कैसे, तो देखो ये पीरियड में से 500 आवर्स से ज़्यादा पर ईयर क्या होता था, काम होता था, अभी देखो कितना काम हो रहा है, ये लिख सकते हो डेटा इसमें. उसके बाद में रिसेंटली ये अपोजिशन पार्टी जो है ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया जो भी टाइम आप स्पेंड करते हो राज्यसभा में, मोर एंड मोर टाइम विल बी ऑन द लेजिस्लेटिव वर्क रादर देन ऑन द डिबेट फंक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क. रो यहाँ पे देखो डेटा दिया है. ठीक है, तो डेटा उठाओ, रिलेवेंट वाला डेटा आंसर में डालना. डेटा इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द कैंसर, मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है आस्पेक्ट, कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ अगर आप उसमें डेटा डालोगे तो इट विल ऑल्सो इम्प्रेस द एग्जामिनर, दैट इज ऑल्सो श्योर. ठीक है, so that is all from my side today. ठीक है, so in this today's current affairs session, myself Shivaji Kale signing off.